तो आपका मेरे YouTube चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क था वो केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन में और रेस्ट पार्टिकल सिस्टम के लिए था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सिस्टम ऑलवेज रेस्ट में रहे। तो द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज यूज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सिस्टम इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। फॉर द सिस्टम इन मोशन द इक्वेशन, यानी ये जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का इक्वेशन है, या फाइव इंटू डेल आर आई बराबर जीरो, नीड्स सम मॉडिफिकेशन। दिस मॉडिफिकेशन इज डन बाई डी लैम्बर्ट। लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डी पी आई बाई डी टी बराबर पी आई बराबर एफ आई। इन क्लासिकल मैकेनिक्स हम डार्ट को डी बाई डी टी से लिखते हैं, डी बाई डी टी इंटू पी, इसके जगह हम पी आई लिख सकते हैं। तो डी पी आई बाई डी टी बराबर पी आई बराबर एफ आई, तो एफ आई माइनस पी आई बराबर जीरो। एन पार्टिकल के लिए हमने सम लगा दिया, ये फाइव माइनस पी पी डाटा ही बराबर जीसन रीड्स दैट दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एफ आई एंड रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एफ बी आई। यानी यह इक्वेशन कह रहा है कि जो सिस्टम है वह दो फोर्स के इफेक्ट में है, यानी एक एक फोर्स एफ आई और एक उसके इफेक्टिव फोर्स बी आई जो रिवर्स में है। Usually this interpretation converts a dynamical problem into a static one. यानी इस interpretation की वजह से dynamic जो problem है वह static problem में change हो गया है। If हमने ith particle में virtual displacement dr ri दिया, then the principle of virtual work for the whole system becomes, यानी n i बराबर वन या फाइव एक्स टी प्लस या फाइव सी माइनस पी आई इंटू डेल आर आई बराबर जीरो। पूरे होल सिस्टम के लिए हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये हो गया। अब जब हमने डेल आर आई वर्चुअल वर्क डिस्प्लेसमेंट दिया तो हमारा इतना हो गया ना। हमने वर्चुअल वर्क के जब डिफिनेशन पढ़ा तो बताया था कि एफ जो कॉन्स्टेंट फोर्स है ऐसे परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई है, जिससे एफ आई सी का जो वैल्यू है वो जीरो हो जा रहा है। तो एफ आई सी यानी कॉन्स्टेंट फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, तो कॉन्स्टेंट फोर्स को हम जीरो करेंगे। आफ्टर ऑल इसके बाद से सिन द फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट डू नो वर्चुअल वर्क, यानी कोई वर्चुअल वर्क नहीं कर रहा है, देन वी हैव एफ आई एफ टी माइनस पी आई डॉट इंटू डेल आर आई बराबर जीरो। दिस इक्वेशन इज नोन एज डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। यही इक्वेशन है जो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल के लिए है, और यह मोशन में डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल है, और यह मोशन सिस्टम जब मोशन हो तो लागू होता है। यानी यह जो इक्वेशन है यही हमारा डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़।